नियम सार जी की अपनी ये चर्चा कारण कार्य नियम गाथा 5 के आधार से चल रही है। इसमें अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि वास्तव में जो व्यवहार सम्यक की चर्चा है कि व्यवहार के बिना समकित नहीं होता, उसका भी खुलासा कितना मार्मिक इस गाथा के माध्यम से हमने किया था कि सच्चे देव आगम और तत्व इनका सच्चा स्वरूप जानना। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि व्यवहार समकित के बिना, व्यवहार सम्यक के बिना निश्चय सम्यक नहीं होता, उनके लिए ये बात अनिवार्य रूप से समझना है कि व्यवहार समकित माने होता क्या है। क्योंकि व्यवहार सम्यक के बारे में जब ये चर्चा आती है कि व्यवहार सम्यक दर्शन, तो लोगों के मन में मात्र बाहर का आचरण क्रियाकांड उभर के आता है बस, और वो समझते हैं कि वो व्यवहार सम्यक है। वास्तव में देव शास्त्र गुरु और तत्व इनका जो सच्चा स्वरूप समझना है ना, और समझकर इनका ये निर्णय करना कि ऐसा है, उन पे विश्वास करना, ये व्यवहार समकित होता है। इसी को कहते हैं कि इसके बिना निश्चय समकित नहीं होता, इसलिए ये चर्चा। लेकिन वो व्यवहार समकित भी व्यवहार समकित तब कहलाएगा जब जीव को निश्चय सम्यक की प्राप्ति होगी। अगर निश्चय सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी तो वो व्यवहार संकेत भी व्यवहार संकेत नहीं कहलाएगा। ये चर्चा अपन ने पिछली क्लास में की थी, अभी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं पूज्य गुरुदेव। अब देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 118। ये इसमें एक जो चर्चा भी मैंने पढ़ी है चतुर वचन रचना, तो गुरुदेव इसका भी खुलासा कर रहे हैं कि चतुर वचन रचना शब्द क्यों डाला टीकाकार ने। कि भाई आप बहुत से ग्रंथ देखते हो जिन्हें लोग आगम समझ लेते हैं और उनमें ऐसी ऐसी फालतू की कहानियां भरी पड़ी हुई हैं, कुछ का कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब आगम नहीं है। व्यर्थ की कपोल कल्पनाओं का नाम आगम नहीं है। और ऐसी बहुत सी कल्पनाएं, बहुत सी कथाएं सुना दी जाती हैं और लोग सोचते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जैसे श्वेतांबर मत में कई कथाएं आती हैं, दिगंबर में भी आती है, कि राजा सेड़क ने महावीर भगवान के समूषण में 60,000 प्रश्न पूछे और उसमें ये प्रश्न पूछा, तो उसके उत्तर में महावीर ने ये कहानी सुनाई। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये सब बातें बिल्कुल ठीक हों कि वो कहानियां कुछ की कुछ है, चाहे जो अपने मन से बना लो। साहब कुत्ते को मुकार मन सुना दिया, स्वर्ग चला गया, चोर ऐसा था, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा कुछ भी। लेकिन वास्तव में एक शराबी ने इतनी शराब छोड़ दी, इतना नियम ले लिया, तो उस छोटे से नियम से ये सब कहानियां अपने मन से सामाजिक सोशल वर्कर के हिसाब से रख दी गई हैं और इनका कोई वास्तव में सर्वज्ञ से लेना देना नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपनी बात को भगवान के नाम पर करके समाज से ही चलता रहे, व्यवस्थित चलता रहे, क्योंकि अपनी तो कोई बात मानेगा नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, ताकि वो व्यवस्था बनी रहे। अब मंदिर बनवाना महान पुण्य, अभी सर्वज्ञ ने कहा है, ख्याल में है ना, और मंदिर में ये करना दान, सर्वज्ञ ने कहा है। ये सब कोई कहा है नहीं कहा है, ये सब सामाजिक सिस्टम है। छोटे पाप को भी बड़ा पाप बता देना, क्योंकि समाज में ये पाप रहेगा तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हम लोगों को हर बात आगम के नाम पर नहीं समझनी चाहिए। बहुत सारी बातें जो सामाजिक दृष्टि से शास्त्रों में कहीं लिखी गई हैं, तो उनको आपको समझना चाहिए कि इन बातों का सर्वज्ञ भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सामाजिक लोगों ने ही, पंडित विद्वानों ने या किसी ने भी, एक्स वाई जेड मेहरा, सबने समाज के हिसाब से वो लिख दिया। अब उसको अपन इतना बड़ा समझ लेते हैं कालांतर में। अब जैसे भी प्रक्षाल करना बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा धर्म है, मंदिर बनवाना सबसे बड़ा धर्म है, प्रतिमा विराजमान करना सबसे बड़ा धर्म है ना, धर्मशाला बनवाना सबसे बड़ा धर्म है। तब ये कोई सर्वज्ञ धर्म से इनका क्या लेना देना, ये कोई धर्म थोड़ी है। लेकिन समाज को इनकी जरूरत है। मंदिर का दान को इतना बड़ा बताओ तब तो लोग दान देंगे, प्रतिमा की स्थापना इतना बड़ा पुण्य बताओ तब तो लोग स्थापना करेंगे। ये सब इसलिए, और प्रक्षाल को इतना बड़ा धर्म नहीं बताएं तो लोग सुबह सुबह जाएं कैसे। तो आजकल देखो जिन लड़कों को 1 रुपये का तत्व का स्वरूप नहीं पता है, वे भी प्रक्षाल में भाग जाते हैं, प्रक्षाल करके आ जाते हैं। उनसे पूछो क्यों किया प्रक्षाल,
तो कहते बहुत पुण्य बनता है, सारे बिगड़े काम बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आगम के आधार से लोग समझते हैं, लेकिन हर चीज आगम नहीं है। बहुत सारी कहानियां किस्से अपनी कल्पना से लिखे गए हैं, उनका सर्वज्ञ भगवान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो लोग कहानियों पे अति विश्वास करके उलझ जाते हैं, और बहुत सारी कहानी, अब कितनी कहानियों के बारे में कहूँ कि वो गज का मोती चढ़ाती थी और उसके बिना दर्शन नहीं करती थी, और इसकी कहानी, ये कोई कुछ नहीं है। ये सब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को समझाने का एक ढंग है। जैसे हम और आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, तो उसमें शेर भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, हिरण भी बोलती है ना, सुनिए पंकज जी के नहीं सुनिए। तो ऐसे ही ये कहानियों के माध्यम से बात को अपनी तरफ से समझाते हैं। वे कोई कहानियां सर्वज्ञ भगवान ने समूषण में नहीं सुनाई है, ख्याल में है ना। ये बात गुरुदेव श्री ने यहाँ खुलासा कर दिया कि भाई वे साधारण कहानियां बहानियां ये सर्वज्ञ की कही हुई नहीं है, ये तो सब बना देते हैं, समय के अनुसार लिख देते हैं कल्पना करके, ताकि व्यवस्था बनी रहे। अब आगे कहते हैं, अब तत्वों की श्रद्धा व्यवहार संकेत की बात चलती है। तत्व बहिर तत्व अर्थात दो भाग किए, एक अंत तत्व रूप परमात्मा स्वयं स्वरूप, और बहिर तत्व में सात तत्व संबर निजरा मोक्ष आदि बहिर तत्व। ऐसी दोनों की श्रद्धा वह भी व्यवहार है। देखो क्या कहते हैं, एक अंत तत्व स्वरूप परमात्मा स्वयं स्वरूप और बहिर तत्व में सात तत्व लेना है, ऐसी दोनों की श्रद्धा वह भी व्यवहार है। पंडित जी, अंत तत्व रूप परमात्म स्वरूप अपना त्रिकाल और बहिर तत्व में आश्रव पुण्य पाप संबर निजरा मोक्ष, ऐसे दो तत्वों की श्रद्धा भेद वाली श्रद्धा है, इसलिए उसे व्यवहार संकेत कहा जाता है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि इसे बहिर तत्व क्यों कहा, इसे व्यवहार संकेत क्यों कहा, तो गुरुदेव श्री समझा रहे हैं कि भेद होने के कारण, सात तत्व जो है उनमें भेद है, तो भेद जो होता है वो व्यवहार है, और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, अखंड आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए जो ये भेद की चर्चा है, इसलिए मात्र व्यवहार है। कोई व्यवहार का अर्थ ये नहीं लगाना यहाँ कि साहब आश्रव है ही नहीं, बंद है नहीं, संबर निद्रा है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन भेद रूप पर्याय की चर्चा होने से उसे व्यवहार के खाते में रखा गया है। इसलिए व्यवहार झूठा है, इसके भी दो अर्थ होते हैं। एक व्यवहार ऐसा झूठा है कि जैसे देह और आत्मा को एक कहना, ये व्यवहार है और ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई किसी भी कीमत पर कुछ है नहीं। तो एक अपेक्षा तो ऐसा भी झूठा होता है, और एक झूठा ऐसा होता है कि साफ वस्तु है, सब बात है, लेकिन उसमें भेद कर दिया, चूंकि भेद नहीं था, तो भेद होने से वो चीज उसमें से खत्म तो नहीं होती। जैसे आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, आत्मा में सुख है, आत्मा में वीर्य है, तो अब ये साफ आत्मा में गुण है कि नहीं, कि गुण है, तो ये व्यवहार क्यों है कि भेद करके समझाया है, इसलिए व्यवहार है। लेकिन देह और आत्मा को एक कहने वाला जैसा व्यवहार झूठा है, ये व्यवहार वैसा झूठा नहीं है। इसलिए हमें ये ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए कि व्यवहार को कहाँ किस मात्रा में झूठा समझना है और कहाँ किस अपेक्षा कथन कहा गया है। इसलिए सात तत्व है नहीं, पुण्य पाप है नहीं, ऐसा नहीं समझना है, लेकिन भेद करने से उनको व्यवहार कहा गया है। तो ये व्यवहार भी कई तरह का है, कभी अभेद है और उसमें भेद करता है तो भी व्यवहार, और भेद है और उसको अभेद करता है तब भी व्यवहार। जैसे देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, उनको एक बताता है तो व्यवहार, और शरीर और आत्मा में ज्ञान दर्शन चाहते ऐसे भेद नहीं है, फिर भी ऐसा भेद करके समझाता है, इसलिए व्यवहार। तो इस तरीके से ये अगर व्यवहार की परिभाषा आप याद रखोगे तो आपको जीवन में बहुत फायदा होगा। भेद में अभेद का कथन वो व्यवहार है, और अभेद में भेद का कथन वो भी व्यवहार है। इसलिए व्यवहार जैसा वस्तु का स्वरूप है
वैसा नहीं समझाता और निश्चय जैसा वस्तु का स्वरूप है वो वैसा ही समझाता है। इसीलिए निश्चय की बात का श्रद्धान करना चाहिए और व्यवहार की बात का श्रद्धान नहीं करना चाहिए। ये निर्णय रख लो, जीवन भर काम आएगा। शास्त्रों में बहुत व्यवहार की चर्चा आएगी लेकिन वो श्रद्धान नहीं करना है। जो निश्चय की चर्चा आए बस वो ही श्रद्धान करने योग्य है। तो व्यवहार की चर्चा क्या करनी है कि व्यवहार से वस्तु स्वरूप को जाना जाता है, समझा जाता है, समझने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है और एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर संयोग से भिन्न हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करना चाहिए। बस व्यवहार की जो भी चर्चा, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम, व्रत, उपवास, सात तत्व, ये सब समझने के लिए है। ये सब हम शुरुआत में जब धर्म का सच्चा स्वरूप आत्मा के त्रिकाली ध्रुव तक पहुंचने का जो बाहर का चीजें हैं उनको समझते हुए जब अपन को प्योर शुद्ध आत्मा का स्वरूप समझ में आता है तो इनको एक तरफ छोड़ देना, इनको पकड़ के नहीं रखना है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि व्यवहार का कथन के सात तत्व जब व्यवहार से भेद हैं और इनको विकल्प कराते हैं तो भेद के कथन की चर्चा क्यों की, तो हमें समझना है कि अगर वो भेद करके समझाते नहीं तो हम पहले वस्तु समझते कैसे। अब हमें वस्तु समझ में आ गई, अब अपन अखंड आत्मा का श्रद्धान करेंगे। और लोक में भी ये व्यवस्था चलती है, कोई भी आपको भोजन की सामग्री बनानी है, व्यापार करना है, कुछ भी करना हो, भेद प्रभेद करके सब तरीके से समझते हैं और जब करने लगते हैं तो वे सारी चीजें छोड़ देते हैं, इस तरीके छोड़ देते हैं और एक अखंड व्यापार करते हैं, फिर एक अखंड भोजन बनाते हैं। ऐसे ही जब हम आत्मा का स्वरूप समझते हैं तो भेद प्रभेदों का आश्रय लेते हैं, लेकिन जब हमें आत्मा समझ में आता है तब उन भेद प्रभेदों का त्याग कर देते हैं। इस तरीके से आगे चलते हैं। बहिर तत्व और अंत तत्व स्वरूप परमात्म तत्व, ऐसे दो भेद किए हैं। एक परमात्म स्वरूप, अंत तत्व स्वरूप वस्तु शाश्वत, और बहिर अर्थात दो भाग पड़ गए ना, इसलिए इसे व्यवहार कहा। अकेला अंत तत्व परमात्म स्वरूप का अनुभव और सम्यक दर्शन वह तो निश्चय है। समझ में आया? देखो सम्यक दर्शन क्या है, वो कहते हैं सम्यक दर्शन माने एक अकेला त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी सच्ची श्रद्धा, उसका अनुभव, इसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। बस परंतु वह परमात्मा और साथ में यह बहिर तत्व, इनकी दो की श्रद्धा को व्यवहार संकेत कहते हैं। वजू भाई भारी सूक्ष्म है शब्द है ना, देखो ऐसे भेद वालों को, ऐसा है ना, ऐसे दो भेद पड़े है ना, भगवान आत्मा स्वयं परिपूर्ण अभेद और उसके साथ उन सात आदि का भेद, दो होकर यह व्यवहार कहने में आया है। अकेला जो अभेद तत्व है उसका अनुभव और श्रद्धा वह तो निश्चय है। समझ में आया? अब ये बात अपन को क्लियर हो गई। अभी थोड़ा आगे देखते हैं और देखते हैं। अथवा दो भेद वाला कहकर, अथवा जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंध तथा मोक्ष, ऐसे भेदों के कारण सात प्रकार के हैं, यह भी व्यवहार संकेत है। जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंध तथा मोक्ष, ऐसे पर्यायों के भेद, उनकी श्रद्धा, वह भी व्यवहार संकेत है, विकल्प है, वह विकल्प निर्विकल्प भेद चैतन्य संकेत है, उसे बतनाने वाला है। समझ में आया? सात प्रकार के हैं, उनकी श्रद्धा, उनका अर्थात तीन को मिलाया, आप तो आगम और तत्व, ये दो प्रकार के तत्व, परमात्म तत्व और बहिर तत्व और सात तत्व, उनका सम्यक श्रद्धान, उनका भली भांति श्रद्धान, वह व्यवहार संकेत है, उसे तो अभी विकल्प वाला व्यवहार संकेत कहा जाता है, उसे अंतर में अनुभव में सम्यक दर्शन है, एक रूप भगवान अभेद चैतन्य में मोक्ष संबर आदि पर्यायों का भाव है, ऐसे अंतर तत्व की, अंतर तत्व रूप परमात्म तत्व की श्रद्धा वह निश्चय है, उसके साथ है व्यवहार संकेत ऐसा होता है। समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं,
श्रद्धा तो एक त्रिकाली ध्रुव अखंड आत्मा की करनी है। देखो आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, पंकज जी देखो इनके ये पर्याय है, गहरी बातें हैं, इनको जानना, इनका स्वरूप समझना, इनका जो जो जैसा स्वरूप है सब समझना। आश्रव आकुलता रूप है, दुख रूप है, बंधन रूप है, बंध दुख के कारण है, लेकिन ये सारी स्थिति मेरी पर्याय में हो रही है। किसमें हो रही है? पर्याय में। इस काल में भी, इस पर्याय में जो कुछ हो रहा है, इस समय भी, इस पर्याय से भिन्न मैं अखंड अभेद एक नित्य शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, ऐसा निर्णय हमें प्रति समय चाहिए। इसलिए हम कोई भी चर्चा पढ़े, कोई भी चर्चा सुने, हमें अखंड अभेद आत्मा का श्रद्धान नहीं छोड़ना है। इसलिए ये जो बहर तत्व की चर्चा है, ये सब समझने में आती है, पढ़ने में आती है, पर्याय की चर्चा है, पर्याय जानने में आती है, लेकिन मैं पर्याय से भिन्न हूँ, श्रद्धान ये ही रखना है। मैं पर्याय वाला नहीं हूँ, मेरे में वो पर्याय होते हुए भी मैं उस काल में उस पर्याय से उसी समय भिन्न हूँ, ऐसी श्रद्धा जिस जीव को है वो सम्यक दृष्टि है। इसीलिए हमें सारी ताकत, जब भी आपको लगे कि मुझे धर्मात्मा होना है, मुझे धर्म करना है, तो धर्म ना किसी क्रिया में है, ना धर्म किसी परिणाम में है, ना धर्म कहीं तीर्थ क्षेत्र में है। जब भी आपको लगे कि मुझे धर्म करना है, तो बस मैं धर्म स्वरूप ही हूँ। धर्म माने क्या? वस्तु का सच्चा स्वरूप। तो वस्तु का सच्चा स्वरूप कैसा है कि भाई तीन चीजें हैं, द्रव्य है, गुण है और पर्याय है। पर्याय एक समय की है, परिणमन स्वरूप है, उत्पाद व्यय वाली है। पर्याय में राग देश होते हैं, वीतरागता होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस पर्याय में से भिन्न जो एक अखंड आत्मा है, वो मेरा सच्चा स्वरूप ऐसा है कि वो बदलता नहीं, उसमें कुछ चेंज नहीं होता, बस मैं तो वो हूँ। उस तरफ अपना ध्यान ले जाना, उसके विचार में खो जाना, उसमें मग्न हो जाना, उसमें एकत्व कर लेना, उसमें अपनापन कर लेना, उसमें डूब जाना, उसका ध्यान लगाना, उसमें अपनापन करके स्थिर हो जाना, बस इसके अलावा अन्य कुछ करना ही नहीं है। अब वो चाहे अभी करो, चाहे दो दिन बाद करो, चाहे दो साल बाद करो, चाहे इस पर्याय में करो, चाहे किसी और पर्याय में जाके करो, करना जब भी होगा यही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर वाला, संयोग वाला, राग देश वाला, पर्याय दृष्टि वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, सबसे पहले ये काम। फिर मैं अखंड त्रिकाली ध्रुव की शरण में जाता हूँ, फिर उसी का विचार, उसी का ध्यान, उसी में मग्नता, बस यही सम्यक दर्शन है, यहीं से सम्यक ज्ञान का जन्म होता है और यहीं से सम्यक चारित्र का जन्म होता है। इसीलिए उस अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करना, यही सम्यक दर्शन का कारण है, अन्य और कुछ भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। हाँ पूछिए। ये सम्यक चारित्र 12वें गुणस्थान होता है या 13वें गुणस्थान? सम्यक चारित्र 12वें गुणस्थान है या 13वें गुणस्थान? सम्यक चारित्र 12वें 13वें की बात नहीं है, सम्यक चारित्र क्रम से 4थे गुणस्थान से प्रारंभ होता है। हाँ ठीक है। अनंतानुबंधी कसाई जाती है, तो अनंतानुबंधी कसाई के अभाव में सम्यकता चरण चारित्र होता है। फिर अप्रत्याख्यान वर्ण कसाई जाती है, तो देश चारित्र आता है। फिर मुनिराज के 3 कसाई चौकड़ी चली जाती है, तो सकल चारित्र होता है। और 12वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ चला जाता है, तो 12वें गुणस्थान में क्षीण मोही हो जाते हैं और वहां पर यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो चारित्र की पूर्णता 12वें गुणस्थान में होती है और चारित्र का प्रारंभ 4थे गुणस्थान से ही हो जाता है।
लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को असंयमी सम्यक दृष्टि इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो चारित्र है वो बाहर में कुछ भी प्रकट नहीं होता, कुछ भी व्रत शील संयम आदि दिखाई नहीं देते, इसके कारण उसको असंयमी कहते हैं। लेकिन करणानियोग की दृष्टि से अगर देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, वस्तु स्वरूप की तरफ से देखें, तो सीधा सा गणित है कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय है कि नहीं। तो उसका उत्तर है कि साहब नहीं है। तो जब अनंतानुबंधी कषाय नहीं है तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में कुछ उसके अंदर चारित्र प्रकट हुआ होगा कि नहीं हुआ, क्या साहब हुआ होगा। अब भले ही वो दिखाई नहीं देता, अंतर समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसा भी समझ लो कि जैसे एक स्त्री गर्भवती है तो प्रेग्नेंट स्त्री श्रुव के पहले मंथ में बच्चा तो है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो वहां वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, यहाँ साहब है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का चारित्र दिखाई नहीं देता बाहर में, लेकिन उसके गर्भ रूप अंश रूप चारित्र है, उसको उतना अंदर अनंतानुबंधी के अभाव में वीतरागता प्रकट है लेकिन वो बाहर में हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको असंयमी कहते हैं। ख्याल में आ गया? और कुछ पूछना है पंकज जी? कुछ पूछना हो तो बताओ। प्रमोद जी कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं पूछना? हाँ तो क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो देखो सम्यक दर्शन बहुत सरल है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन को हमने ज्यादा सुन के समझ के पढ़ के और थ्योरिकल सुन सुन के बहुत कठिन बना लिया है, बाकी सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल चीज है। सम्यक दर्शन सरल क्यों है? क्योंकि सम्यक दर्शन में सिर्फ इतना ही तो करना है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करनी है बस, हमें और कुछ हेर फेर तो करना नहीं है, कुछ बाहर में तो कहीं जाना नहीं है, कुछ चेंज तो करना नहीं है, जैसा है बस वैसा स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हमारे लिए ये स्वीकार नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, धर्म ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। और वो हम कुछ करने के चक्कर में जो कुछ कर सकते हैं हम फिर वो भी नहीं करते। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हम श्रद्धान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रमोद जी श्रद्धान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा श्रद्धान करने के लिए क्या? हैं? नहीं जाना पड़ेगा, अभी लो एक मिनट में श्रद्धान हो सकता है। लेकिन ये श्रद्धान हमें धर्म नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कर्तृत्व बुद्धि चलती है, हमें ऐसा लगता है कुछ करो कुछ करो। इसलिए देखो हम शांति से एक जगह बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, अरे अभी हम और आप बैठे हैं ना शांति से, तो हमें कभी नहीं लगता कि हम धर्म कर पाएंगे या धर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी हम सम्यक सागर के पहाड़ चढ़ने लग जाएं, आज एक आसन करने लग जाएं, कुछ त्याग करने लग जाएं, तो अपन को लगता है कि हम धर्म करने लगे, हम धर्म में आगे बढ़ गए। लेकिन वास्तव में अभी हम श्रद्धान कर सकते हैं, और श्रद्धान बहुत बड़ी चीज है, तो वो तो करो कम से कम, क्या डरना। देह और आत्मा का भेद ज्ञान जानो, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न मानो, आत्मा अखंड है, अभेद है, नित्य है, शुद्ध है, इन शब्दों को रटो मत, ऐसा अनुभव करो मैं अजर अमर तत्व हूँ, ये अंदर अनुभव करो, मेरा मरण नहीं होता, मेरा नाश नहीं होता, मेरे कोई संसार में सुख मिलने वाला है ही नहीं, ये पर्याय छोड़ के जाना ही जाना है, ऐसा होकर अपने स्वरूप में विश्राम करो, आनंद से रहो, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई आकुलता नहीं, और जितनी दुख तकलीफ आकुलता हो भी तो उससे भी वेद ज्ञान करो कि ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये भी वर्तमान में मैं अपने आत्मा में स्थिर नहीं होता जिसके कारण ये आकुलता होती है, अगर मैं अपनी आत्मा में अभी भी स्थिर हो जाऊं तो ये आकुलता भी नहीं होगी। कैसे विषय भोगों की वासना इसलिए उठती है कि मैं अपनी आत्मा में स्थिर नहीं होता, अगर मैं अपनी आत्मा में स्थिर हो जाऊं तो ये विषय भोग खाने पीने घूमने फिरने ये भी परिणाम बंद हो जाए। कितनी सरल समझनी है बात, और कितना सरल है ये बात कि भाई ये घूमना फिरना चलना बंद हो जाएगा कब? कि जब अपने स्वरूप में रम जाऊंगा। तो साहब कम रमूंगा? अब रमूंगा जब रमूंगा, लेकिन ये बात पक्की है कि बाहर में सुख नहीं आने वाला,
ये निर्णय तो कर सकते हैं, ये श्रद्धा तो अभी कर सकते हैं। और तुम देखोगे जब ये श्रद्धा करोगे तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि आकुलता मिट गई। अभी आधा घंटा ऐसी श्रद्धा करो, ऐसा लगेगा कि जैसे हम सिद्ध भगवान बन गए हो, कोई दुख ही नहीं बचा हमारे ऊपर। ये सारे दुख कर्तृत्व के, अहंकार के, दुनिया को कुछ करके दिखा दूं, दुनिया वाले मुझे कुछ मान लें, कुछ पैसा कमा लूं और बड़ा महल बना लूं, बच्चों को कुछ बना दूं, ये सारे दुख जो चल रहे हैं वो इसी कर्तृत्व और अज्ञान से तो चल रहे हैं। और हमने अगर आधा घंटे के लिए भी इस कर्तृत्व और अज्ञान का त्याग कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई ना लेना ना देना, ना शरीर ना संयोग में से सब भिन्न पड़े हुए हैं और ना मैं किसी का कर्ता धरता हूँ। तो देखो अभी आधे घंटे के लिए आपको अभी अनुभव करना हो ना कि सिद्ध भगवान कैसा आनंद लेते होंगे, सम्यक दृष्टि को कैसा आनंद आता होगा, तो आधे घंटे आप आनंद ले सकते हो, क्या दिक्कत है? अभी झूठा है कि सच्चा है पंकज जी? आनंद कभी झूठा होता ही नहीं भाई। फिर इसे झूठा तो सब कहते हैं, वो इसलिए झूठा कहते हैं कि ये ज्यादा देर टिकता नहीं है। आधा घंटा आनंद नहीं हुआ ऐसा थोड़ी, आधा घंटे का आनंद भी बहुत है, हैं? लेकिन वो टिकता नहीं ना, इसलिए कहते भैया ऐसा पुरुषार्थ करो कि सदा काल के लिए सुखी हो जाओ। लेकिन अभी कम से कम सदा काल की व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आत्मा के बल से दिन भर में चार दफे तो कम से कम ध्यान लगाओ, चार दफे तो रिलैक्स हो जाओ, आधा घंटा तो अपने आनंद स्वरूप में बैठ जाओ, कोई विकल्प नहीं। ध्यान लगाना भी आपको इतना आसान लगने लगेगा अगर आप ऐसा श्रद्धान करके बैठोगे कि जो होना है सब स्वीकार है, जो हो रहा है सब स्वीकार है, क्या लेना देना, जैसा हो रहा होगा। इतना आप भी देखो निर्भार, एकदम ऐसा लगेगा कुछ भारी नहीं बचा, रिलैक्स, हल्कापन आएगा। और ये कर्तृत्व से भारीपन आता है, इसलिए हमें धर्म का भी भार अपने ऊपर नहीं रखना है। धर्म तो समझ लो वो ही जीव समझ रहा है जो जीव निर्भार हो रहा है। जो धर्म को समझ के भी भार ढो रहा है अथवा एक नया भार पैदा कर रहा है, उसने धर्म का कोई स्वरूप ही नहीं समझा। इसलिए ये जो चर्चा है कि साहब श्रद्धा सम्यक दर्शन है तो अभी श्रद्धान करना चाहिए, ठीक है? अभी अपन ने इतना ले लिया, अब आगे देखो। व्यवहार समकित हे रूप है, अब जो गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं वो कि व्यवहार समकित हे रूप है कि नहीं। अब देखो गुरुदेव शब्द क्या, देखना पंकज जी, अनंत बार हे रूप है, क्या लिख रहा है शब्द, अनंत बार हे रूप है। अब गुरुदेव चाहे तो इतना बोल देते कि हे रूप है, लेकिन क्यों लिखा कोमल जी अनंत बार हे रूप है, हैं? अनंत बार हे रूप है लिखा है ना, आपके पास बुक है? नहीं, आपके पास ही बुक नहीं है? है मेरे पास, लेकिन अभी नहीं है, मेरे पास बुक तो है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है तो अभी देखना। इसमें अनंत बार लिखा गुरुदेव ने, अनंत बार हे रूप है, तो मन में सोचना चाहिए साहब हे रूप लिख देते, अरे भाई इसलिए लिखा अनंत बार कि ये बात बार बार कहने पर भी नहीं मानता, तो गुरुदेव ने एक बार में कह दिया भैया अनंत बार हे रूप है। अगर तू अनंत बार पूछेगा ना तो अनंत बार हे रूप है। क्यों हे रूप है? क्यों? क्योंकि वो जो आप आगम और तत्व हैं वो बहिर तत्व हैं, वो मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनको भी जब अपनी आत्मा में श्रद्धान करेंगे तो इनकी साथ में श्रद्धा करेंगे कि इनसे भिन्न में आत्मा हूं, ऐसी श्रद्धा करेंगे? बोलो, हैं? महावीर भगवान की श्रद्धा कैसी करनी है कि वो परद्रव्य हैं, वो मेरे में शामिल नहीं है, मेरे से भिन्न द्रव्य है महावीर, महावीर का जीव अलग है और मैं अलग हूँ, ये श्रद्धा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो हे रूप माने हे रूप का अर्थ भी समझ लो। लोग हे रूप का अर्थ भी बहुत गलत समझते हैं। लोग हे रूप का अर्थ समझते हैं कि जैसे पता नहीं गाली दे रहे हैं। अरे हे रूप का अर्थ होता है उसे अपने स्वरूप में नहीं मिलाना, उसमें एकत्व नहीं करना,
उसमें अपनापन नहीं करना, उसमें उपादे बुद्धि नहीं रखना, बस इसका नाम ये है। ये का मतलब ये नहीं को कहीं छोड़ो, कहते छोड़ना क्या है, छोड़ती क्या चीज है। कोई एक बात तो मुझे एक बात बताओ, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे आत्मा का सच्चा श्रद्धान है, तो क्या मैं महावीर भगवान को छोड़ के भग जाऊंगा क्या कहीं, क्या मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगा कहीं, नहीं। बस ये है कि हे रूप है माने मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं इससे न्यारा तत्व हूँ, इसका नाम हे रूप है, इसके आश्रय से धर्म नहीं होगा, इसका नाम हे रूप है। लेकिन लोग हे शब्द बोलो तो बड़ी तकलीफ में आती है। देखो भाई, हम जितने प्रेम से भगवान के दर्शन करते हैं, जितनी श्रद्धा भगवान की करके उनके दर्शन करते हैं, अगर उसका एक बार भी जीव अपनी आत्मा की श्रद्धा करके और अपना दर्शन कर ले तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। और ये जो बाहर के भगवान हैं, जिनके दर्शन कर करके अपन खुश होते रहते हैं कि हमने आज भगवान के दर्शन कर लिए, वो तो वास्तव में भगवान है ही नहीं, वो तो जड़ है, वहां कोई भगवान तो बैठा नहीं जिसको तुम देख देख के निहाल हो रहे। ये तो असली भगवान तो अंदर विराजमान है, लेकिन अपनी बुद्धि खराब है, अपने को असली भगवान पसंद नहीं है, नकली भगवान पसंद है। पंकज जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी मैं पढ़ रहा था, एक विदेश में एक लड़के ने पिज्जा से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? पिज्जा। साहब पिज्जा से शादी क्यों कर ली? बोले साहब पिज्जा मुझे कभी धोखा नहीं देगा, समझे, और मैं पिज्जा को खा के बहुत खुश होता हूँ और बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने पिज्जा से शादी कर ली। अभी विदेशों में अभी बहुत तेजी से रोबोट बनाए जा रहे हैं, और विदेशों से ही अपने हिंदुस्तान में भी अब उसकी कॉपी होने लगी। जो अपन जो डॉगी वोगी पालने लगे ना, क्या कहते हैं उसे, क्या फैशन कहते हैं, कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमारे घर में क्या बोलते हैं पंकज जी, वो रख लेते हैं आजकल, कुछ कहते हैं ना, ये जानवर को पालने को घर में इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेट कहते हैं, हाँ पेट बोलते ना, तो आजकल ये फैशन में है। उनसे पूछो कि साहब ये जानवर इसमें क्यों पालते, बोल साहब ये धोखा नहीं देगा हमारे लिए, ख्याल में है ना, आदमी तो धोखा दे देता है। अब विदेशी लोग और आगे निकल गए, रोबोट पालने लग गए, उनको उनसे ही शादी करने लग गए, और वहां पे ऐसे ऐसे वो मोम के पुतले आ गए, लड़कियां आ गई। अभी सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जड़ पदार्थ के साथ धोखाधड़ी की कोई टेंशन नहीं है, तो वे सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं क्या? एक बार बताओ, जो चेतन से जो सुख दुख की फीलिंग मिलेगी वो तो जड़ पदार्थ से मिलेगी क्या? वो कुछ समझता है क्या? जैसे वो नहीं समझता, ऐसे भगवान की प्रतिमा भी कुछ नहीं समझती। अब लोगों को ये कह दोगे तो बड़ी तकलीफ होगी। अरे भाई, वहां भी जड़ है, लेकिन जो अंदर चेतन बैठा हुआ है ये तो वास्तव में ही भगवान है, ये तो रियल का भगवान है, ये ओरिजिनल है, ये कोई कल्पना में नहीं है। ये देखो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, इसका निर्धारण होता है कि अंदर जीता जागता आत्मा विराजमान है, अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन इस परमात्मा को देखने की फुर्सत नहीं है। और रोज मंदिर जाके उस परमात्मा को, जो है ही नहीं, जो तुम्हारी सुविधा के लिए बनाया गया था कि भाई तुम उसको देख के अपने भगवान को देखना जो असली में है, वो तो नकली है। लेकिन लोग उस भगवान के दर्शन के नियम लेते हैं, अपने भगवान के दर्शन का नियम कोई नहीं लेता। लेता है, बोलो। अच्छा सही बताओ, हकीकत बताओ, वे भगवान हमने बनाए हैं कि उनने हमें बनाया? बोलो, वे भगवान किसकी कल्पना है, हमारी कल्पना है कि नहीं? हमने बनाया उन भगवानों को कि नहीं बनाए? और हमने भी कहाँ बनाया? वो प्रतिमा तो उस व्यक्ति ने बनाई जो बेचारा जाति से मुसलमान है, जिसे कोई पता ही नहीं है कि वीतरागता होती क्या है। हमसे तो वीतरागता की मुद्रा भी नहीं बनती, जो वीतरागियों के भक्त हैं उन पे वीतरागी मुद्रा नहीं बनती। वीतरागी मुद्रा भी रागियों ने बना रखी है, उन रागियों के द्वारा बनाई हुई वीतराग मुद्रा के दर्शन कर करके घुस होते अपन। और अंदर जो असली चेतन तत्व विराजमान है उसको देख के कुछ नहीं होता।
इसलिए भैया शांति से बैठ के अपने चेतन तत्व का विचार करो, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान, ऐसी फीलिंग अंदर लाओ, कोई दूसरा भगवान नहीं, मैं स्वयं भगवान हूँ, मुझ में क्या जो भगवान के लक्षण है वो सारे मेरे अंदर है, मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसी फीलिंग नहीं आती, अपना आनंद लेना नहीं आता, वो भगवान की प्रतिमा देख के सामने शिखर के पहाड़ पे चढ़ के पार्श्वनाथ की टोंग पे जाके उन चरणों को अरे भगवान अरे भगवान करते है कि नहीं करते लोग है? तो वाक सच बताओ क्या है भगवान के नाम पे? वे तो पार्श्वनाथ के चरण भी नहीं है। अच्छा चरण है क्या पार्श्वनाथ के? है वो सीमेंटेड चरण बना दिए जाते हैं, वे है क्या? अरे तो कल्पना है तुम्हारे मन को बहलाने की कि मान लो यही है और यहीं से गए थे, वे तो सत्य भगवान है। और अगर मान नहीं है पंकज जी तो अपने घर में ही रख लो दो चरण, नहीं को मान लिया करो कि हम सब में जगह से उठा लाए वहां तक जाने का कष्ट को कर रहा। लेकिन हमें धर्म वो ही पसंद है जिसमें हमें परेशान किया जाए, जिसमें हमसे मेहनत करवाई जाए, हमसे कोई कहेगा शांति से बैठ के घर में धर्म करो, वो धर्म हमें पसंद ही नहीं है। हमें वो धर्म बहुत पसंद है जिसमें हमसे कुछ त्याग व्रत करवाया जाए, मेहनत करवाई जाए, हमें पापी बताया जाए, हमें नारकी बताया जाए, हमें जो है खाने पे पाप बताया जाए, ये बताया जाए। अभी आजकल मैं देखता हूँ, कई दफे देखता हूँ, बढ़िया त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा करते हैं तो वो प्रवचन लोग कम सुनते हैं, और वही पंडित जी आज खाने पीने में किसमें कितना दोष है, किसमें कितना पाप लगता है और इस पर प्रवचन करते हैं तो उसको सुनने वाले कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर हेडिंग डाल दो कि खाने पीने में दोष बताया है आज, तो लोग उसको इतने चाव से सुनते हैं कि बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनसे पूछो इसमें क्या मिल गया तुम्हें, खरे साहब हमें बहुत पता चल गया, ये नहीं खाना चाहिए, इसमें इतना दोष है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें इतना दोष है। और आत्मा की चर्चा को ऐसे सुनता है तो वो तो हमें पता है आत्मा के बारे में, जबकि ये सारी चीजें आत्मा से ही निकल के आती है तो वो खबर नहीं है। पंकज जी देखा है कभी कि नहीं देखा है? लोग चरणानियोग की शैली के पंडितों को बहुत सुनते हैं, करणानियोग शैली के पंडितों को बहुत सुनते हैं, उनसे पूछो कि तुम इनको इतना क्यों सुनते हो, तो क्या क्या है सम्मेलन तो आत्मा से मिलना है। अरे साहब हमें पता चल जाता है कर्ण कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। तो ये वैसे ही जिज्ञासाएं हैं जैसे अपने के मन में होती है कि अमेरिका की क्या व्यवस्था है, लंदन की क्या व्यवस्था है, जापान की क्या व्यवस्था है, है? पाकिस्तान अपन को भी लगता है देखिए क्या व्यवस्था है, ऐसे ही थोड़ा और दिमाग लगाता है तो विदेश क्षेत्र की क्या व्यवस्था है, मध्य लोक की क्या व्यवस्था है, उर्दू लोक की क्या व्यवस्था है, अधोगति की क्या व्यवस्था है। लेकिन अपने को आत्मा देखने से डरता है, उसकी श्रद्धा नहीं करना चाहता है। इसलिए भैया बड़े सौभाग्य से यह आत्मा की चर्चा अपने पास आई है, अपन तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान करें और आनंद से रहें। ज्यादा धर्म के नाम पर और कुछ नहीं करो, जब भी तुम्हें ऐसा लगता है मुझे धर्म करना है आत्मा का ध्यान लगाने बैठ जाओ, बस यही सच्चा उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि हमारा आत्मा किसी तीर्थ पे नहीं रखा है, हमारा धर्म किसी मंदिर में नहीं रखा, हमारा धर्म किसी क्रिया में नहीं रखा, हमारा धर्म तो मैं स्वयं ही हूँ, मेरा धर्म मैं स्वयं ही हूँ। कैसा? कि मैं अपनी आत्मा का आश्रय लूं, मैं अपनी आत्मा की श्रद्धा करूं, मैं अपनी आत्मा का ज्ञान करूं, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है और यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और फिर दूसरी बात कि साहब वो व्यवहार की बात करना, कि व्यवहार की जितनी जरूरत थी शुरुआत में, हम जब कुछ नहीं जानते थे तब हमने सब खूब पढ़ लिया समझ लिया, तब हमको उसमें इससे ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं। हमें सात तत्वों का स्वरूप पता है, हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप पता है, हमें आत्मा परमात्मा का स्वरूप पता है, हमें सब कुछ पता है। अब बस ठीक है जितना होना चाहिए, अब तो बस हमें उस आत्मा के प्रयोग करने, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। पूजा आपा आठ भक्ति ये तो तब तक है जब तक अपन आत्मा में ध्यान नहीं लगा सकते। अगर हम आत्मा का ध्यान लगा सकते हैं, तत्व चिंतन कर सकते हैं, तो इनकी भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
इसीलिए जो जी ये व्यवहार के नाम पर ज्यादा हल्ला मचाते हैं कि अरे तो ये भी करता है ये भी, अरे भाई ये सब ज्यादा किसी की मत सुनो, सबकी हाँ में हाँ भरते रहो, चुपचाप रहो, लेकिन अंदर से श्रद्धा रखो कि धर्म तो मुझे अपनी आत्मा से ही प्रकट होगा, अन्य कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये तो समाज है, हजार मुंह हजार बातें हैं, और समाज ऐसे ही चलेगा, इसको कोई बदल नहीं सका, और मुझे भी काय को बदलना, इस समाज के बीच में रहना, इसलिए हाँ जी कहो और अपना चुपचाप अंतरंग से ये निर्णय रखो कि धर्म तो मुझे अपनी आत्मा के आश्रय से ही मिलेगा। इसलिए अपनी आत्मा का आश्रय करने का पुरुषार्थ करो, और जगत में जो दौड़ चल रही है कोशिश करो कि तुम दौड़ते हुए दिखो तो, लेकिन अंदर से बिल्कुल दौड़ना नहीं है। तुम लोगों के साथ चलते हुए दिखो तो, लेकिन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं चलना है, तो धर्म पा जाओगे। और अगर तुम भेद ही नहीं कर पाए, तुम भी देखा देखी पागलों की तरह लगे हुए हो ना। नहीं समझ में आया, हाल में आया पंकज जी के नहीं है, पकड़ में आया कि नहीं आया? मैं क्या कहना चाहता हूं, हमें अपना अंतरंग जागृत रखना है, हमें बेहोश नहीं होना है। हम मंदिर में पहुंच गए, अरे धोती पहन लो जी, दो आओ चलो पहन लो जी, पहन, समझ गया नहीं समझ गया? हमने कहा करो करो जी, जल्दी करो जी, भगवान जी का बहुत 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 भाव जी, हर कर दिया, समझे? अंदर से तुम्हें पता है कि वीतरागता का अर्थ क्या होता है, तुम्हें उनके भावों से कोई लेना, वे तो बेचारे अज्ञानता में डले हैं, और भगवान की जितनी उनकी तो अज्ञानता की लिमिट नहीं है, वे तो भगवान को उस जड़ पदार्थ में ऐसे उलझे रहते, अरे जे साक्षात और ऐसा कुछ नहीं। अपने को अंतरंग से, अपना आत्मा ही सच्चा गुरु है, अपना आत्मा ही भगवान है, अपना आत्मा ही सच्चा शास्त्र है, ऐसा अपने आत्मा में ही अपनापन करके रह जाओ। यही धर्म की सीढ़ी है, यही धर्म का प्रारंभ है, और यहीं से धर्म का अंत है, यही सब कुछ है। ऐसा श्रद्धान जो जीव करेगा उसे सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहेगा, ये गारंटी है। और जिन जीवों की अभी भी ये मान्यता चलती इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, अरे रे भगवान के बिना ये नहीं करना, भगवान के बिना वो, वे अभी बहुत कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वो स्वरूप नहीं समझ पाए जो स्वरूप है। वे आज भी उन क्रिया कांडों को हे कहते हुए उन्हें परम उपादेय मानते हैं, वे आज भी उस भगवान को पर नहीं मानते, बिल्कुल ऐसा मानते कि यही हमारा भला कर देगा, आज भी यही मान्यता है। भरी भले ही कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन अंदर से उसका सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ। और भगवान की महिमा वास्तव में आत्मा की महिमा करे बिना होती नहीं, इसलिए जो जीव आत्मा की महिमा तो करते नहीं, और देव की, भगवान की, गुरु की, शास्त्र की महिमा बहुत करते हैं, जिन वाणी का बड़ा उठा के रखना ही कर, और आत्मा की कुछ खबर नहीं, तो याद रखना वे जीव पद्धति बुद्धि से देखा देखी संस्कार बस और पक्षपात बस ये सब करते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से उन्हें कुछ भी नहीं है। ऐसा निर्णय होना चाहिए, तब जाके अपने को आत्मा मिलेगा। इस तरीके से आज का समय अपना हो रहा है, हमें अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, उसी के आधार से सारे धर्म का काम बनेगा। ये बात अपन ने ली, और व्यवहार संकेत को गुरुदेव अनंत बार हे रूप है, ये अनंत बार शब्द क्यों डाला, ये शब्द की व्याख्या भी अपन ने आज की है। अभी और आगे इसमें चर्चा आती जाएगी, क्रम से अपन चर्चा करते जाएंगे। सभी लोग एक क्लास ही अब ले रहा हूँ मैं, मंगल के मंगल ऑनलाइन, तो सभी लोग कृपया आपस में कोऑर्डिनेशन बैठा के रखें और इस क्लास को चलने दें, और सभी समय पर उपस्थित हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। कोमल जी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, ये पूछना था कि थोड़ा ये सिद्ध भगवान का वर्णन करेंगे, ये जो चार चार अघाती कर्म नाश होके कौन से, मुझे पता है नाम पता है कि चार अघाती कर्म वो जो नाश हो जाते हैं उनके बदले चार गुण प्रकट हो जाते हैं, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहन और अनंत सुख। हाँ, तो ये अभ्यामास सुख, सॉरी
अभ्यावास सुख। हाँ हाँ तो ये कौन से चार आघाती के सामने कौन कौन से प्रकट होते हैं, कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं? हाँ अघाती कर्म के अभाव में, हाँ सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व और प्रवेशत्व और अगुरु लघुत्व, ये गुण प्रकट होते हैं। हाँ लेकिन हाँ सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व और अभ्या और कौन सा अगुरु लघु, वो तो मैंने बोला अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, प्रदेशत्व और अवगाहन और अवगाहन। ठीक है बराबर। ये तो आप बाद में ही पूछ लेना, इस क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताओ। नहीं हेलो हो गया। हाँ ठीक है। निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलो द्वास्ता में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।